तो आप अपने YouTube पे अपनी वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छे खासे व्यूज़ देखने को मिले और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। मेरा एक सेकंड चैनल है जिसमें कि मैंने 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं इसी ट्रिक से वीडियो अपलोड करके। तो आप भी इसी ट्रिक से वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पर 1500 सब्सक्राइबर बहुत ही ईजिली कर सकते हो। तो ये तरीका क्या है और कैसे आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है जिससे कि आपकी वीडियो रैंक करे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए या तो 1000 सब्सक्राइबर आप गेन कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बहुत सारे लोग अपने वीडियो को क्रोम ब्राउज़र से अपलोड करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है और पीसी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, तो लोग अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो अपलोड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो को अपलोड करके कैसे उसको सर्च ले आ सकते हो या तो रैंक कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहां से आप प्लस के आइकन पर क्लिक करते हो। जैसे आप यहां पे करते हो तो यहां पे अपलोड वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है जिस भी वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन और टाइटल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहीं से आप थंबनेल भी लगा सकते हो और टैग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो आपकी वीडियो में टैग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको अपनी वीडियो सर्च लिस्ट में लेके आनी है। तो आप टैग कैसे लगा सकते हो? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल देना है। टाइटल जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। तो डिस्क्रिप्शन आपको पहले ही नोटपैड पे लिख के रख लेना है जिससे कि आप कॉपी और पेस्ट ही करो। तो आपको यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। तो यहाँ पे आपको अनलिस्टेड करके अपनी वीडियो को अपलोड करना है। इससे ये होगा कि आप अपनी वीडियो में मॉडिफिकेशन कर सकते हो और आपकी वीडियो अगर आप लिंक सेंड किसी को करते हो तो वो आपकी वीडियो लिंक के थ्रू देख सकता है, ठीक है। तो आपको अनलिस्टेड पे अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। उसके बाद जाना है आपको अपने YouTube स्टूडियो ऐप में। तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है टैग का। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ से आप अपनी वीडियो के जितने भी रिलेवेंट कीवर्ड होते हैं, जो भी टैग आपने लिख रखे हैं, वो सारे यहाँ पे आपको डाल देने हैं, जिससे होगा ये कि आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में आएगी और अच्छे खासे व्यूज़ आपकी वीडियो पर आएंगे। तो ये रहा प्रूफ, आप देख सकते हो कि मेरी वीडियो सर्च लिस्ट में आती है और यहाँ से इस वीडियो को काफ़ी सारे व्यूज़ देखने को मिले हैं। तो ये टैग का काम भी यहाँ पर हो गया। जैसे आप टैग डाल देते हो, आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आपने यहाँ पे थंबनेल नहीं डाला था तो आप YouTube स्टूडियो ऐप से भी थंबनेल डिज़ाइन करके लगा सकते हो। यहाँ पे टाइप करना है आपको, उसके बाद आप यहाँ से थंबनेल भी लगा सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। तो आपका वीडियो का सारा काम हो गया, टाइटल आपने लगा दिया, डिस्क्रिप्शन लगा दिया, टैग लगा दिया, थंबनेल लगा दिया। अभी आपको अपनी वीडियो को पब्लिक पे कर देना है। जैसे आप पब्लिक पे करते हो, आपकी वीडियो YouTube पे शो होने लगेगी, ठीक है। तो ये काम थे आप जो अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे वीडियो को अपलोड कर सकते हो, सही तरीका क्या है। अगर आप क्रोम से वीडियो को अपलोड करते हो तो उसमें बहुत सारे आपको दिक्कत आने लगती है, कई बार वीडियो अपलोड ही नहीं होती है, या हो भी जाती है तो वहाँ पे आप टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लगा पाते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी वीडियो अपलोड करने के लिए। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मार देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जोर से मार देना ताकि आप आने वाली वीडियो के अपडेट को मिस ना कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।